हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईडी रिवीजन सीरीज के अंदर। आज हमारी 7th मार्च और अगर आपको देखा जाए हमारे अभी तीन चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं 6 दिनों के अंदर। चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट और चैप्टर नंबर 10 कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। और आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आई नो आप लोगों को बहुत अच्छे से ऑलरेडी आता होगा क्योंकि हमने बहुत बार ऑलरेडी इसको पढ़ रखा होता है, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं और ये रिवीजन भी 2 ही लेक्चर्स में जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही लेक्चर में भगा भगा के आपको पढ़ाऊं, धीरे धीरे पढ़ेंगे और 20 से 25 दिनों के अंदर डेली आधा पौना घंटा हम देंगे और इंडियन इकोनॉमी को थोरली रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो स्टार्ट करने वाले हम आज अपना चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे मतलब समझेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट छोटा सा है। मतलब ये है कि यहाँ पर अंग्रेजों ने मुगल्स के बाद 200 साल तक इंडिया पर राज किया था ऑलमोस्ट फॉर 2 सेंचुरीज और उसके बाद लास्ट में 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेन चीज आती है वो ये है कि ब्रिटिश पर्पस का, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का मेन पर्पस क्या था। और मेन पर्पस ये था कि इंडिया को वो एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाना चाहते हैं और अपनी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करके वो प्रोडक्ट बेचेंगे और इंडिया को वो एक कस्टमर बना रहे थे जिससे वो खरीद पाए। मतलब क्या, इंडिया से बेचो सस्ता सामान और इंडिया को बेचो महंगा सामान। मतलब क्या, यहां से जाएगा सस्ता वहां से आएगा महंगा। इन शॉर्ट ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज है वो क्या कर जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी, बढ़िया हो जाएंगी। या कुछ ही समझ में आ गई? तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो ये सोल पर्पस वाला जो पॉइंट है वो आप एक बार माइंड में रख लेना, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम सेकेंड टॉपिक के बारे में, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। क्या बोल रहा है ये? वो सिंपल सा ये कहना चाह रहे हैं कि जो कॉलोनियल रूल था, जो अंग्रेजों ने हमके ऊपर राज किया, वो तब उन्होंने इंडिया की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। क्या बोला मैंने, जो उन्होंने 200 साल राज किया वहां पर उनका मेन मोटिव इंडिया को एक्सपेंड करना, इंडिया को डेवलप करना नहीं था। उनका मेन मोटिव ये था कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश उनको वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे इंडिया की मदद से। तो इंडिया से सारी चीजें लूट के ले जाते थे, सस्ते दामों पे ले जाते थे और बाद में उनको महंगा बेचते थे। तो यहाँ पर देखो उन्होंने पहली बात क्या बोली है कि इंडिपेंडेंट से पहले, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया जो थी वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी की तरह काम कर रही थी। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स था लोगों का लाइवलीहुड का, ठीक है, ये तो सबको पता है, बेसिक नेसेसिटी वाली बात की। और यहाँ पर उन्होंने एक बात बोली है कि इंडिया किस चीज के लिए जाना जाता था ब्रिटिश के आने से पहले, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया किस चीज के लिए जाना जाता था। तो इंडिया मेनली अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था। किसके लिए जाना जाता था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था और उसके साथ साथ टेक्सटाइल मिल्स, कॉटन, आपका प्रीशियस स्टोन मेटल्स के लिए भी जाना जाता था। मेन इन्हीं इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था, एग्जाम्पल के तौर पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, मेटल और प्रीशियस स्टोन। और इसके साथ साथ क्यों जाना जाता था, वहां की कोई क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, यहाँ पे जो लोग काम करते थे बहुत ही फाइन तरीके से काम करते थे, यहाँ पे जो मैन फोर्स थी, यहाँ पे जो वर्क फोर्स थी वो बहुत ही ज्यादा तरीके से अच्छे से काम कर रही थी। तो ये चीज थी हमारी क्या, छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने एक बात और बोली है, अगर आप देख पाए तो नोट में नीचे दे रखा होता बॉक्स के अंदर, कि डेक्कन मसलिन नाम का एक कपड़ा था, टेक्सटाइल था, कॉटन का, मलबल जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा ही ज्यादा सॉफ्ट था, बहुत ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन पार्टीशन के बाद वो आधे से ज्यादा कहां चला गया, बांग्लादेश में चला गया, तब उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो डेक्कन मसलिन वॉज द मेन क्लोथ, ये 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। आपको बस डेक्कन मसलिन नाम पता होना चाहिए, जिसको मलबल भी बोला जाता था क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा फाइन थी ना, बहुत सॉफ्ट सा होता है, उसको मलबल सा बोलते हैं, वो चीज थी इसके अंदर। तो ये चीज हमने देख ली, ओके। अब देखते हैं कि यहां पर क्या बोला जा रहा है। एक और क्वेश्चन आ गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉलो करी थी उनका मेन फोकस क्या था, उनका मेन फोकस क्या था और उसका फिर इंपैक्ट क्या पड़ा। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। पहला कि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज थी उसका फोकस क्या था और उन पॉलिसीज की वजह से इंपैक्ट क्या पड़ा इंडिया के ऊपर, अब हम वो चीज देखने वाले हैं। तो
तो सबसे पहला उनका जो मेन फोकस था वो क्या था, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। उनको इंडिया के डेवलपमेंट से रत्ती भर का भी लेना देना नहीं था, उनको बस ये था कि अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर फोकस में, क्योंकि इस चैप्टर में ना बार बार एक वर्ड रिपीट होगा, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कस्टमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, इस चैप्टर में बहुत बार यूज हो रहा है, तो हम हर जगह यही वाला पॉइंट चेप देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जहां पर फोकस पूछा गया इकोनॉमिक पॉलिसीज का फोकस क्या है, तो इकोनॉमिक से याद रखना वहां पर वो अपनी इंडस्ट्री की, अपनी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिया की बात नहीं हो रही है। तो अगर इकोनॉमिक पॉलिसी का इंटरेस्ट देखा जाए तो उनको अपनी इकोनॉमी को प्रमोट करना था और प्रोटेक्ट करना था, और वो करने के लिए इंडिया को उन्होंने क्या बना दिया, रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया और फिनिश गुड का कस्टमर बना दिया। ध्यान रखना, यहाँ पर अगर मैं एक नंबर में कभी क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो 10 में से 4 बच्चे गलत कर ही देते हैं। तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं कि अगर मैं फोकस पूछ रहा हूँ इकोनॉमिक पॉलिसीज का, तो वो प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ देयर इकोनॉमी है, उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट ये है कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट प्रमोट करने के लिए इंडिया को एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया और फिनिश गुड का कंज्यूमर बना दिया। तो ये चीज हमको समझ में आ चुकी है। इसके आगे पढ़ते हैं क्या बात लिखी हुई है। अब वो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर जब कॉलोनियल गवर्नमेंट था तब किसी जब इंडिया के अंदर कॉलोनियल गवर्नमेंट था तब किसी ने भी नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम निकालने की सोची भी नहीं थी। तब हमारे कुछ इकोनॉमिक्स थे, कुछ बढ़िया बढ़िया लोग थे जिन्होंने इंडिविजुअल अटेम्प्ट मारे थे पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। उनके कुछ नाम हैं, आपको पता है, आपको याद करने हैं। सबसे पहले कौन थे, हमारे दादा भाई नरोजी, विलियम डिगबाय, फिडले शिराज, वीकेआरवी राव एंड आरसी देसाई। तो ये 4-5 नाम है जो आपको याद रखने हैं। इसमें से एक नाम है जो आपको स्पेशली याद रखना है, वो है वीकेआरवी राव का। क्यों? क्योंकि इनका जो नेशनल इनकम निकला था, इनका जो पर कैपिटा इनकम निकला था, उसके अंदर बहुत एकदम उन्होंने बहुत ही मैचिंग सा बना दिया था। बाकी सब ने जो भी कैलकुलेशन करी थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां थी, लेकिन जो राव जी की जो नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम थी वो काफी हद तक एक्यूरेट आकी गई थी। तो यहाँ पे राव जी का नाम आपको पता होना चाहिए कि राव जो थे उनकी जो नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम है वो काफी अच्छी सिग्निफिकेंटली करेक्ट मानी गई थी। और बाकी सारे नाम आपको नजर में होने चाहिए कि अगर एग्जाम में कम्युनिकेशन आ जाए एमसीक्यूज में 1 मार्क में कि किसी एक का नाम बता दो, तो आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा सुनने वाला है, समझने वाला, क्या कि उनकी जो हमारी जो कंट्री की जो ग्रोथ रेट थी, हमारी कंपनी की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 2% से भी कम थी। क्या बोला मैंने, जो इंडिया की जो फर्स्ट 20th सेंचुरी 1900 से लेकर 1950 तक की अगर मैं बात करूं, 1900 से लेकर 1950 तक की बात करूं, तो जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी वो 2% से भी कम थी, और जो पर कैपिटा ग्रोथ थी वो सिर्फ 0.5% थी। मतलब क्या, अगर आज मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो अगले साल में 100 रुपए 50 पैसे कमा रहा हूं, मतलब सिर्फ 50 पैसे का ही ग्रोथ हो रहा था। मतलब ये कह सकते हो कि ग्रोथ ही नहीं हो रहा था, हम स्टैंड स्टिल पोजिशन पर खड़े थे। तो ये बात यहाँ पर आप याद कर सकते हो, जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी ड्यूरिंग 1900 टू 1950 या बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बात कर सकते हो, तो वो क्या थी, सिर्फ 2% से भी कम थी, और जो पर कैपिटा ग्रोथ थी वो सिर्फ 0.5% ही थी। तो ये हो गया हमारा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। इसमें मेन चीज क्या है कि इंडिया किस चीज के लिए जाना जाता था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, मेटल के लिए, पीस स्टोन के लिए। इसके अलावा उनका फोकस क्या था, अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करना। उसका इंपैक्ट क्या था, सप्लायर एंड कस्टमर। और यहाँ पे जो राव जी का नाम था वो आपको याद करना है, बस हो गया टॉपिक। अब बात करने वाले हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, इस चैप्टर के अंदर काफी सारे सेक्टर्स की बात हो रही है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं, तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होती है, हमारी 14 अगस्त की शाम, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस अगर 15th को हुआ था तो ईव क्या होती है, हमारी एक शाम पहले होती है। तो इस शाम को हमारी इंडिया की क्या सिचुएशन थी, तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताया गया, आपको फॉरेन ट्रेड सेक्टर के बारे में बताया गया, आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक के बारे में बताया गया, इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। मतलब इस चैप्टर में 5-6 पार्ट्स में आपको चैप्टर को डिवाइड किया है और हर एक की हालत बताई है कि इस सिचुएशन में ये था, ये था, ये था। तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। तो आपकी स्क्रीन पर एग्रीकल्चर सेक्टर आ चुका है, इसको हम एक बार देख लेते हैं।
सबसे पहली लाइन जो हम पता नहीं हर चैप्टर की पहली लाइन यही होती है कि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन किस पर बेस्ड होती है, एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है। और यहां पर भी इन्होंने क्या बोल दिया है कि अबाउट 85% की जो पॉपुलेशन थी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या बोला मैंने, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है सर, इस यहाँ पर आपने 85 बोला है और आगे चल के ना एक टॉपिक आएगा उसमें 70-75% दे रखी होगी, तो सर कौन सा याद करें? तो याद करने वाला वो 70-75, क्यों? वहां पे डिफरेंस है, वहां पे टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है कि टोटल पॉपुलेशन का 70-75% किसमें था, हमारा एग्रीकल्चर था। लेकिन अगर यहाँ पर आप लाइन पढ़ो जो स्क्रीन पे लिखी हुई, वो क्या लिखा हुआ है, अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कहां से सोर्स निकाल रहे थे, एग्रीकल्चर से निकाल रहे थे। मतलब क्या, विलेजेस में जो पॉपुलेशन रहती थी उसका 85% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा किससे निकालता था, और एग्रीकल्चर से निकालता था। तो आपको वो याद रखना है, 70-75% हमारा मेन स्ट्रक्चर था जो काम कर रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हमने पढ़ रखा था। और एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गई थी, एक्सप्लोड करना चालू हो गई थी। लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका जो प्रोडक्शन था वो स्टेगनेंट था। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, स्टैंड स्टिल, ज्यादा बदल नहीं रहा था, वो चेंज नहीं हो रहा था, बल्कि गिर रहा था। प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, बढ़ने के अलावा वो गिर रहा था, स्टेबल भी नहीं था। अब 6 नंबर का फेवरेट क्वेश्चन है, 3 से 4 में 6 में पूछा जा सकता है कि क्या कारण थे कि इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट पोजीशन पर चला गया था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। क्या बोला जा रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर की जो पोजीशन थी, जो ग्रोथ रेट थी, वो एकदम स्टेबल क्यों हो गई थी, स्टैग्नेंट क्यों हो गई थी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मेनली 3 पॉइंट आते हैं। पहला है हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा है हमारा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और तीसरा आता है हमारा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट या लैक ऑफ रिसोर्सेज। ये मेन 3 रीजन थे जिस वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्टेगनेंट हो गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लैंड सेटलमेंट सिस्टम की। इसके अंदर क्या थे, जमींदारी सिस्टम था। और जमींदारी सिस्टम सबको पता है क्या होता है कि लैंड का एक हेड होता है जिससे हम लैंड किराए पर देते हैं और हम उस लैंड पे काम करते हैं, बदले में उसको पैसा देते हैं। इस चीज को बोला जाता है जमींदारी सिस्टम। तो यहाँ पर जो जमींदार थे वो क्या करते थे, लोगों को जमीन दी, काम करने के लिए दी, तो उनसे रेंट तो लेते ही लेते थे और उनका प्रॉफिट भी ले जाते थे। क्या बोला मैंने, आपको काम करने दिया जा रहा है तो आपसे रेंट तो लेंगे ही लेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो भी वही रख रहे थे, जमींदार रख रहे थे, उनको कुछ भी नहीं दे रहे थे। मतलब वो थोड़ा वो जो खाने पीने के लिए ले जाते थे बस वही था, प्रॉफिट भी अपना, रेंट भी अपना, मतलब दोनों तरफ से मार्क पड़ रही थी उनको। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो हम पढ़ेंगे लाइन, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले क्या हुआ है, द प्रॉफिट एक्वाइंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट डायरेक्टली टू जमींदार इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स। जो प्रॉफिट था वो कल्टीवेटर्स को मिलना चाहिए था, बट वो कल्टीवेटर्स को ना मिलकर किनको दिया जा रहा था, जमींदार को ही मिल रहा था। और जमींदार का मेन इंटरेस्ट था रेंट कलेक्ट करना, कि रेंट हमको मिलना चाहिए भले ही कल्टीवेटर देने की हालत में हो चाहे ना हो, और रेंट देने के चक्कर में उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। ऐसा क्यों था उनको रेंट से मतलब था, चाहे वो काम करे चाहे ना करे, वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट से जमींदार के ऊपर दबाव था कि अगर आपने हमको रेंट एक पर्टिकुलर डेट पर नहीं दिया तो आपको जमींदारी वाले पद से हम हटा देंगे, आपके सारे अधिकार खत्म कर देंगे। तो जो आप अभी राज चला रहे हो ना, रूल चला रहे हो ना पॉपुलेशन के ऊपर, वो आपका सारा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जमींदार का मेन इंटरेस्ट था रेंट हमको चाहिए ही चाहिए टाइम पर, क्यों, क्योंकि उनको अंग्रेजों के पास डिपॉजिट कराना था, और अंग्रेज अगर पास डिपॉजिट नहीं कराते तो वो उनके राइट उनसे छीन लेते। तो देखो यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि अगर वो डिपॉजिट फिक्स डेट पर नहीं करते तो वो अपने जो डाउट्स है वो, जो अपने राइट है वो लूज कर जाते। हाँ भावना बताओ क्या डाउट है सर, जमींदार के ऊपर था मतलब ब्रिटिशर्स का प्रेशर। हाँ, जैसे मैं मिडल मैन होगा ना बीच में, अब अंग्रेज सरकार डायरेक्टली तो उनसे काम नहीं करवाएगी ना वर्कर्स के थ्रू, तो बीच में उन्होंने क्या रखे थे, जमींदार रखे हुए थे जो उनके लिए काम करके दे रहे थे।
क्योंकि वो ये डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन आप उसको समझ सकते हो बिजनेस स्टडीज की लैंग्वेज में, कि उन्होंने अंग्रेजों ने बीच में जमींदार रखे हुए थे जो काम करके दे रहे थे, वो उनसे रेंट लेके उनको पैसा चुका देते थे। या कुछ क्लियर हो गई? ओके। दूसरा जो मेन पॉइंट आता है वो आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है कि वो फूड, देखो दो तरीके की क्रॉप्स होते हैं, एक होते हैं हमारे कैश क्रॉप और एक होते हैं फूड क्रॉप। फूड क्रॉप होता है जो हम अपने प्रोडक्शन करते हैं और हम भी कंज्यूम करते हैं, और एक होते हैं कैश क्रॉप जिनको हम मार्केट में बेचते हैं। तो ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल उन्होंने क्या किया, उनको फार्मर्स को कल्टिवेटर्स को फोर्स किया कि वो फूड क्रॉप नहीं उगाएंगे, अब वो कैश क्रॉप उगाएंगे जो बिकेंगे। और इससे क्या होता था, जो भी बिकता था, जो भी पैसा जाता था, वो किसके पास जाता था, अंग्रेजों के पास जाता था। उनके पास अपने लिए ही सर्वाइव करने के लिए बहुत ही कम हो पाता था। तो सेकंड पॉइंट है हमारा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बेच के भी पैसा वो ही ले रहे थे। और तीसरा जो मेजर रीजन है हमारा वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें होती है जो पैसा इन्वेस्ट होता है किसके अंदर, फार्मिंग सेक्टर के अंदर, कल्टिवेशन सेक्टर के अंदर, जिसमें सबसे पहला फ्लड कंट्रोल होता है, ड्रेनेज होता है कि पानी कितना स्टोर रखना है, कब निकालना है। इसके अलावा टेरेसिंग देखनी होती है। टेरेसिंग पता है ना आपको, ये वो सीढ़ियां टाइप होती है आपकी टेरेसिंग, जो हमने ज्योग्राफी में देखी होंगी 9th, 8th, 9th, 10th की किताबों में, तो वो यहाँ पर बात हो रही है। और आपका जो सॉइल है वो डिसेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, मतलब क्या मिट्टी बह गई वो भी नहीं होना चाहिए, रुकनी चाहिए, सारी चीजें देखनी होती थी। और इस चीज को करने के लिए पैसे लगते थे। तो हमारे जो फार्मर्स थे, छोटे छोटे फार्मर्स थे, ना तो उनके पास उतना पैसा था वो सारी चीजें लगा पाए, ना ही ये टेक्नोलॉजी थी, और ना ही उनको कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा था, ना ही उनके पास कोई इंसेंटिव था जिससे वो इन्वेस्टमेंट कर पाए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। मतलब क्या, एक तो पैसों की कमी थी, ऊपर से वो इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे। तो ये मेजर रीजन हैं हमारे, अभी हम एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा और एक्सटेंड करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा पेज कंप्लीट होता है और इसमें हमने समझ लिया कि क्या चीज हुई थी। सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले देखा हमने आजाद हुआ था, उनका मेन सोल पर्पज था रॉ मेटेरियल सप्लायर बनाना। उसके बाद हमारा ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री और पीसेस टूट के लिए जाने जाते थे। फोकस था प्रमोशन प्रोटेक्शन ऑफ देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, उसके लिए सप्लायर और कस्टमर बना डाला। दादाभाई नरोजी, बीकेआर भी राहुल वाले नाम याद रखने, 2% 0.5% की मारी के गते, 2% थ्री जीडीपी की और 0.5% की मारी पर कैपिटा की। और इसके अलावा हमारे स्टेग्नेशन के रीजंस, जमींदारी सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन और लैक ऑफ रिसोर्सेज। आई होप ये थोरली रिवाइज हो चुका है हमारा टॉपिक। अब बात करते हैं हम आगे, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को, थोड़ा सा ही वो रीड कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी कम थी, इरिगेशन फैसिलिटीज कम थी और फर्टिलाइजर तो बिल्कुल भी नहीं थे, और ये सारे कारण थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के डेटोरिएट होने के। टेक्नोलॉजी कम, इरिगेशन फैसिलिटी कम, इन्वेस्टमेंट कम, फर्टिलाइजर्स कम, एट लॉस प्रोडक्टिविटी भी कम, हर चीज कम, तो वो भी कम हो चुका था। तो ये हो गया हमारा पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर। अब बात करने वाले हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, तो ये चीज भी हम पढ़ने वाले हैं अभी के अभी, और ये हमारा चैप्टर आज आधा कंप्लीट होगा और आधा हम कल करेंगे। ऐसा नहीं है कि भागते हुए, चैप्टर इजी है, छोटा है तो हम कंप्लीट कर देंगे, इजीली चलेंगे, भागना भी नहीं आपको, बाकी सारे सब्जेक्ट भी रिवाइज करने हैं। आज हमारी 7th मार्च हो चुकी है, अभी समय हमारा होगा 5:15 हो रहा होगा अप्रोक्सीमेटली। आपको बस इतना ध्यान में रखना है, मैं आपको बार बार याद टाइम इसलिए याद दिलाता रहता हूँ कि आपको रियलाइज हो कि भैया प्रेशर क्रिएट करना है माइंड में, हमको पढ़ना है, टाइम बहुत नजदीक आ चुका है हमारा पढ़ाई करने का। ऑल्दो इस टाइम पे बोर्ड्स चल रहे होते थे, पिछले साल इस टाइम पे बोर्ड्स थे हमारे, जिस समय आप मौज मस्ती कर रहे हो तो आप कंटिन्यूसली विजिट करते रहिए। तो अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी अच्छा चल रहा था ब्रिटिशर के आने से पहले, जो भी था जितना भी था अच्छा चल रहा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर को पनपने नहीं दिया। क्यों पनपने नहीं दिया, क्योंकि उनको अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करना था, ग्रो कराना था। तो जो भी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हो गई, और इसके अलावा कुछ कोशिश होती थी कोई इंडस्ट्रीज ऊपर उठकर आए तो उसको उठने भी नहीं दिया जाता था। क्यों, क्योंकि वो सारा रॉ मटेरियल बाहर ले जाते थे, तो इंडिया वाले बनाएंगे क्या, तो बेचेंगे क्या, तो ये चीज यहां पर मैं हमको दिमाग में रखनी है। उन्होंने एक पॉलिसी फॉलो करी थी इंडिया को, वो सिस्टमेटिकली क्या करने वाले, डी इंडस्ट्रियलाइज करने वाले। तो ये पॉलिसी है, 3 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया। डी इंडस्ट्रियलाइजिंग मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रीज को खत्म करना।
खत्म करने के उनके दो ही मेन दो मोटिव थे जो हम अभी तक पढ़ते आ चुके हैं, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना, हम यहाँ पे उन्होंने सप्लायर की जगह पे एक्सपोर्टर वर्ड यूज कर दिया है, और क्या बनाना, इंडिया को एक मार्केट बनाना, चमकता हुआ मार्केट बनाना जिसमें वो अपने फिनिश गुड्स को बेच पाए। वर्ड्स थोड़े से वो क्या करें थोड़ी सी चेंज कर दिए, लेकिन कहने का मतलब उनका वही है। वहां पे बोला गया कस्टमर, सप्लायर, यहाँ पे एक्सपोर्टर और स्प्रॉलिंग मार्केट बना दिया वर्ड, ठीक है ना। इनको लगता पागल है, लैंग्वेज बदल देंगे तो बस बात बदल जाएगी। आंसर इज नो, ये मेन कीवर्ड है जो हमने यहाँ पर रख ली, क्योंकि बस अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना था। अच्छा, इंडस्ट्री सेटअप करने के साथ साथ उन्होंने जो हमारी इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज थी, अब इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को मतलब होता है जो इंडिया की खुद की थी, होममेड जो प्रोडक्शन कर रहे थे। इंडिजिनियस का मतलब होता है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, ठीक है। तो जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उसमें एक तो डिक्लाइन तो गई, अनएम्प्लॉयमेंट दबा कर आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, नौकरों की जरूरत थी नहीं, इंप्लॉयज की जरूरत थी नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। और इसके साथ साथ लोकल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि आधे से ज्यादा सामान बाहर जा रहा था, तो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन था, जो डिमांड था वो बढ़ने लग गया था। और वो डिमांड कैसे बढ़ रहा था, बाहर से बेच रहे थे वो लोग। आ रहा समझ में कहानी, क्या बोला उन्होंने, इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन किया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया, प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, तो लोगों के बीच में डिमांड बढ़ गई, जब सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और उस डिमांड को कैसे फुलफिल कर रहे थे, बाहर से सस्ता सामान बेचकर। पहले चाइना, अब जो चाइना हरकत करता है ना, पहले ब्रिटेन हरकत कर रहा था, ये वाली सस्ता सामान बेचो, पैसा कमाओ और मौज लो, ये चीज यहां पर हो रही थी। लेकिन जो सेकेंड हाफ था हमारा इंडस्ट्रियल सेटअप का 1950 के बाद का, तब हमारी जो धीरे धीरे रूट्स थी वो क्या होने लग गई थी, स्ट्रांग होने लग गई थी, क्यों, तब हम थोड़े से आजाद हो रहे थे। सॉरी मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर 1850 से 1900 की बात हो रही है, 19th सेंचुरी का मतलब होता है 1800 से लेकर 1900 तक, मैंने शायद गड़बड़ हो गया। तो 1850 के बाद हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो थोड़ा थोड़ा इस्टेब्लिश होना चालू हो गया था, ग्रोथ रेट बहुत स्लो थी बट कोशिशें जारी थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। कितनी प्यार से कहानी सुन रहे हैं बैठ के, हाँ ये चीज हुई थी, वो चीज हुई थी, ऐसे हो रहा था, वैसे हो रहा था, तो सुनने में मजा आ रहा है आपको, याद करने में मौत आती है, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पर कॉटन और जूट टेक्सटाइल की जो मिल्स थी वो बढ़ रही थी और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो धीरे धीरे पनप रहा था। अच्छा, यहाँ पर जो ये पैराग्राफ है ना, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर 1 मार्क। क्या, जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी वो इंडिया डोमिनेट करता था और जो जूट टेक्सटाइल मिल्स थी वो फॉरनर्स डोमिनेट करते थे। क्या बोला मैंने, कॉटन वाले इंडिया डोमिनेट करते थे और जो जूट वाले थे वो फॉरनर्स डोमिनेट करते थे। कॉटन वाले हमारे वेस्टर्न पार्ट में आता था और जूट वाला हमारा ईस्टर्न पार्ट में आता था, बस ये आपको दिमाग में बात रखनी है। इसके बाद हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है जो हम पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं, कि टिस्को की फुल फॉर्म क्या है, टिस्को कब फॉर्म हुई थी, 1907 में, और टिस्को की फुल फॉर्म क्या है, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी। तो ये 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, मतलब 1907 में हुआ था। ध्यान रखना इसका फुल फॉर्म और इसका ईयर दोनों ही एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद, मतलब 1945 के बाद, क्योंकि हमको पता ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा 1939 से 1945 चला था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था, नहीं है तो मैंने आपको रिवाइज कराई दिया है। तो उसके बाद हमारा शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज जो थी वो एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी। नॉट सो इम्पोर्टेंट, टिस्को वाला इंपॉर्टेंट है, उसकी फुल फॉर्म और उसका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर। अब आगे और देख लेते हैं उन्होंने क्या लिखा है, कि यहाँ पर कोई भी सब्सिट्यूट नहीं था, जबरदस्ती की थ्योरी लिखी हुई, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसका कोई भी सब्सिट्यूट नहीं था, आसपास कुछ भी नहीं था जो उस चीज को रिप्लेस कर पाए। और इसके अलावा उन्होंने बोला जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था और उसका जो जीडीपी में ग्रोथ था वो कम था, जो हमारे धीरे धीरे चालू हुआ था। क्या बोला कि 1850 के बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर चालू होने लगा था, उसकी ग्रोथ रेट बहुत स्लो थी, और वही बात उन्होंने यहाँ पर रिपीट कर दी है। और उन्होंने यहाँ पर बोला जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ना वो मेनली किस पर था, फॉरेन सेक्टर पे बेस्ड था, मतलब पब्लिक सेक्टर ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। और वो कौन कौन सा था, रेलवे था, पावर जनरेशन था, कम्युनिकेशन था, पोर्ट था और अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो भी बना था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर था, जिसमें रेलवे था, पावर जनरेशन था, कम्युनिकेशन था,
पोर्ट्स थे और कुछ डिपार्टमेंट थी। अब तो ये काफी सारी चीजें हट चुकी हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज इतनी थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कहना चाह रहा टॉपिक के वाला हमारा। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, वन मार्क की डेफिनेशन रट लेना, इसका मतलब होता है कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्रीज जो ऐसे गुड्स बनाते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं। इकोनॉमिक्स में मैक्रो चैप्टर में पढ़ रखा है कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, कैपिटल गुड पता ही होगा आपको, नहीं है तो सीख लेना, रिवाइज कर लेना। मैक्रो मैक्रो की भी सीरीज आएगी हमारी, जैसे ही इंडियन इकोनॉमी खत्म होगी हमारी मैक्रो की सीरीज भी आएगी। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला बोर्ड सर, ठीक है आप मेरा पीछा छोड़ दो लेकिन मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, रोज आ जाऊंगा ऐसी मुंह उठाकर, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आप देख लो, देखो यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा हो गया, यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पूरा हो चुका है। और आज का लास्ट टॉपिक हम करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड, ठीक है। फॉरेन ट्रेड करें या कुछ और कर ले, छोटा सा कर लेते हैं, चलो फॉरेन ट्रेड ही कर लेते हैं। क्या जाता है तो बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। इंडिया का आपको पता है फॉरेन ट्रेड कैसा था, आपको इतना तो अच्छा लग रहा होगा बहुत बढ़िया होगा, नहीं ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट रूल था और उनकी जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी वो बस ये चाहते थे कि ऐसा है कि इंडिया बस इंडिया इनका पालतू पालतू कुत्ता, जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। वर्ड्स मेरे गलत हैं लेकिन उनकी जो हरकतें थी इंडिया के लिए वो बिल्कुल ऐसे ही थी। अच्छा अब देखो सेकंड पॉइंट में उन्होंने मेन यहाँ पर क्या बात बोली, इंडिया एक्सपोर्टर था किस चीज का, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, जूट, इंडिगो। इंडिगो से याद आ रहा है, कुछ चैप्टर पढ़ रहा था हमने इंडिगो से रिलेटेड, नहीं हो तो पता नहीं मैं भूल चुका हूँ, 10 साल हो गए। और इंडिया को इंपोर्टर बनाया था, इंपोर्टर किस चीज का बनाया था, देखो यहाँ पर फिर एक बार वही बात रिपीट कर दी है, रॉ मेटेरियल बनाया इन प्रोडक्ट्स का, कस्टम इंपोर्टर बना दिया फिनिश प्रोडक्ट्स का जो वहां की मशीनरी से होकर आता था। मतलब इस चैप्टर में इतनी बार ये बात रिपीट हो गई है, पूरे चैप्टर में पूछता हूँ ना कि इस चैप्टर में क्या है, भाई एक ही दो ही लाइन है जो पूरे चैप्टर को समराइज करती है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर। अब जरा बात करते हैं वन मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। इंडिया ब्रिटेन ने मोनोपोली क्रिएट करी हुई थी ब्रिटिश के बारे में, 50% से ज्यादा जो भी एक्सपोर्ट होता था वो ब्रिटेन में होता था, मेन चीज अभी ध्यान रखना, 50% से ज्यादा जो भी एक्सपोर्ट होता था वो ब्रिटेन में होता था और बाकी कुछ जो होता था तो वो चाइना, श्रीलंका और ईरान में होता था। चाइना को श्रीलंका का पुराना नाम है सेलोन और ईरान का पुराना नाम है पर्शिया, तो बस ये नाम मांग रख लेना, कभी कभार है ना जब मजे लेने का टाइम आ रहा होता है सीबीएसई का तो वो ऐसे पूछ सकता है कि बताओ श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। ऑल दो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इररिलेवेंट है, भैया इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं और तुम कह रहे हो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो इट्स एन इररिलेवेंट क्वेश्चन, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कुछ भी हो सकता है और वो 100 में से 100 लाने हैं तो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक नंबर का क्वेश्चन और आ चुका हमारे सामने कि स्विस कैनाल कब ओपन हुआ था, 1869 में हुआ था और ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच में डायरेक्ट रूट था, बीच में से अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो छोटी सी एक कैनाल बनाई गई थी, मैनमेड कैनाल बनाई गई थी, वो डायरेक्ट रूट बना रही थी और उससे क्या हो रहा था, हमारा बहुत खर्चा बच रहा था इंडिया का या ब्रिटिशर्स का और बहुत पैसा बच रहा था, खर्चा और पैसा बात एक ही बोल रहा हूं मैं, टाइम और खर्चा दोनों बच रहे थे, डायरेक्टली वहां तक पहुंच रहा था ड्यू टू स्यूज कैनाल। अगर आप मैप में देखो ना तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में छोटी सी एक कैनाल है जो कि बनाई गई थी। इसके अलावा अच्छा ये क्वेश्चन आ गया 3 नंबर का, लिख लेना क्या कि इंडिया वॉज एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री। हम गवर्नमेंट बजट पढ़ते हैं ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस, बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, हम अभी तक डेफिसिट है, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम में हम लोग क्या थे, एक्सपोर्ट थे, एक्सपोर्ट सरप्लस थे, मतलब क्या हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते थे इन कंपेरिजन टू इम्पोर्ट्स, तो उसका मतलब ये होना चाहिए हमारे पास बहुत सारा पैसा आ रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इंडिया वालों के पास खाने पीने और मतलब मिट्टी के तेल तक के पैसे नहीं थे, उनको इतना इजीली अवेलेबल भी हो पाता था और इतना सरप्लस आ रहा था ना, ऐसे कोई सोना चांदी नहीं आ रहा था इंडिया के अंदर, जो सारा का सारा पैसा था वो कौन लेके जा रहे थे, मैं बोलूंगा नहीं ब्रिटिश ऐसे लेके जा रहे थे, गालियां निकलती हैं ऐसे सुन सुन के खून खोलता है मेरा, बदला लूंगा एक दिन में भी,
तो ये चीज समझ में आई आपको, फॉरेन ट्रेड के बारे में छोटा सा हमने डिस्क्रिप्शन कर लिया। हाँ, तो अब छोटा सा टॉपिक बचा, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आ गया 3 नंबर के लिए, लिख लेना। अब आप बोलोगे सर हर क्वेश्चन के आगे लिखवा देते, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आएगा तो आएगा। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर दिया, चूस दिया, निकाल दिया, वो कुछ भी समझ लो, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से हमारी जो इंडिया की जो वेल्थ थी वो बह गई। तो सबसे पहला था कि जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस पैसा आता था, वो कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटेन में ऑफिसेस बनाने के लिए वो पैसा यूज करती थी। मतलब वहां पे जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो हमारे ही पैसों से बनी थी। तो वही बात उन्होंने लिखा हुआ है, मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द ऑफिसेस सेट अप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। वहां पे जो बिल्डिंग्स बनी है वो हमारे पैसों से बनी है। जाकर कभी जाओ ब्रिटेन में जाके तो बोल देना हमारा पैसा लगा यहाँ पे। दूसरा, जो भी वॉर पे खर्चे होते थे, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर लड़ती थी उसमें जो हथियार बम वगैरह जो खर्चा होता था वो किसकी जेब से जाता था? साड़ी जेब से। इसके अलावा जो भी वो सर्विसेज इंपोर्ट करते थे उसका भी खर्चा किसमें जाता था? वो हमारी ही जेब से जाता था। ये आपको चीज समझ में आई हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा कि फॉरेन ट्रेड में क्या क्या चीज होती थी। सबसे पहला मेन जो उन्होंने वो इंडिया के ऊपर मोनोपोली क्रिएट करी हुई थी, 50% से ज्यादा कहां जाता था? ब्रिटेन जाता था, बाकी श्रीलंका, चाइना और ईरान में जाता था। उनके पुराने नाम आप याद कर लेना, एक्सपोर्टर बना दिया था, इंपोर्टर बना दिया था, और सीयूएस के नाल फॉर्म कर दिया था, और एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री बना दी थी, और पैसे को वो ऑफिस सेटअप करने में लगा देते, लड़ाइयां लड़ने में लगा देते और इम्पोर्ट करने में लगा देते थे। तो ये चैप्टर अभी तक हमने 50% कंप्लीट कर लिया है। कल इस चैप्टर को बचा हुआ हम कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा 8 मार्च मतलब कल शाम को 5:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। तारीख बार बार मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ कि भैया एग्जाम में अब 2 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है। आज 7 मार्च हो रही है और आपका 4 मई को पहला इंग्लिश का पेपर है, तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, आपसे मुलाकात होती है कल शाम को 5 बजे। तब तक के लिए सिया, जय हिंद, जय भारत। आपसे मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। टाटा।